सो हे गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हिमायू तोम का, जो कि बहुत सारी भीड़ और पब्लिक के बीच में मैंने जाकर ऑनलाइन टिकट बाय करी। अब देख सकते हैं इस भीड़ के बीच में मैं जैसे तैसे अंदर जाकर मैंने एंट्री करी। सो फाइनली स्टार्ट करा हमने ब्लॉग आज के लिए हिमायू तोम का, जो कि ये बहुत नियर बाय मेरे घर के लोकेशन है। जो कि अंदर घुसते एक बंदा मिला जो बहुत ही दिल से अपने गाने को प्ले कर रहा था और मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये तो है नीला गुम्मत, जो हमने यहाँ से स्टार्ट करी है इसकी वीडियो बना। नीला गुम्मत तो आई डोंट नो, मुझे भी इसकी कोई हिस्ट्रिकल नहीं पता चीज़ें। बाकी ये है कि काफ़ी अगर यहाँ पर रखा गया तो इसके पीछे कारण ही रहा होगा, मतलब उस समय की जो सल्तनत थी इतनी अच्छी थी। ये जो मैं अब आया हुआ हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नाई का मकबरा है। मतलब कि उस ज़माने में जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे ना, जैसे कि हुमायूं जी है, उस टाइम पे इनकी जो मतलब कि कटिंग वगैरह करा करते थे बाल की, हेयर की इनकी फैमिली में, तो उनसे इनका बड़ा लगाव था और उनके लिए इन्होंने एक मकबरा भी बनाया उन्होंने। और उस मकबरे में हम आप विज़िट करने वाले हैं। तो जितने भी इनके ख़ास हुआ करते थे, चाहे वो नाई का मकबरा हो गया इनका, या आगे हम ईसा खान का मकबरा हो गया, उन सब में एक सिमिलरिटी ये थी कि इन्होंने ना किसी दूसरे जगहों में जाते हुए, इन्होंने अपनी जगहों में जहाँ इनका कवर बनाया गया, उस ज़माने में इन्होंने यही विचार किया होगा कि इनकी कवर सिर्फ वहीं होनी चाहिए जहाँ इनके साथियों की हो। सो मैंने स्टार्टिंग में दिखा था कि फाउंटेन का रीज़न क्या है। फाउंटेन का रीज़न ये है कि आप देख सकते हो कि फाउंटेन यहाँ पर बना है और ये फाउंटेन से जितना भी पूरे पार्क में पानी जाता है, इसके राइट लेफ्ट जितने भी लोकेशन है जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ घास फूस है, जहाँ पेड़ पौधे, इस फवारे के पानी के भरते ही सारी चीज़ें चारों ओर चली जाती है पानी, ताकि ये हरियाली के तरफ दर्शाए अपनी सारी चीज़ें। उस ज़माने में पाइप वगैरह या नलके वगैरह नहीं था, लेकिन उस ज़माने में एक चीज़ अच्छी ये थी कि जो फाउंटेन वगैरह हुआ करते थे वो प्रेशराइज चलते थे। ये अभी बना हुआ है तो ये प्रेशराइज से चारों ओर पानी फेंकते थे अपने ना, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब देख सकते हो सारी चीज़ें, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो चारों ओर इसके बने हुए, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना गेट, ये मेन गेट था अगर आप देखोगे इसके एंट्रेंस के हिसाब से। सो इसको खास दरवाज़ा कहा जाता है, जो कि एंटर होने के टाइम पे अगर आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो रोड जा रही है डायरेक्ट हुमायूं के तोम के मकबरे में, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाया गया था उस समय के दौरान जो सल्तनत थी, कि अगर कोई एंटर करता है, इसके चार है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट से हमने एंटर किया है, नॉर्थ में आपको दिखा चुका हूँ, वेस्ट ये दरवाज़ा है, और अगर आप देखते हैं राइट हैंड साइड जाके वहाँ पर भी एक इनका दरवाज़ा पड़ जाता है। तो सबसे अच्छी खासियत बात इसमें जो दरवाजे की जो लगी है, ये है कम से कम 1560 के पूर्व का, जब ये बनाया गया और आज चल रहा है 2024, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी भी ये सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई है, इनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। और अभी इंडिया का जो आर्किटेक्चर है या किसी भी वर्ल्ड का आर्किटेक्चर है, वो 200-300 साल बाद गिर जाता है। तो यहाँ देखो अभी भी इनकी हुकूमत के जो परचम लहरा रहे हैं हुमायूं के, और भी ऐसे कई है जैसे कि कुतुब मीनार है, हिस्टोरिकल प्लेस बहुत सारे हैं। ये दरवाजे रखे हुए हैं जो इसमें ऐड ऑन होने वाले हैं, तो कई सारी चेंजेस भी करे जा रहे हैं इसमें। मैंने ये दिखाया था कि अभी जो आपके पीछे है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वीडियो में, ये सिल्वर कलर का है, ये जो शाइनिंग से मतलब ये पूरा आई थिंक तांबे वगैरह का है ना, ये तो वो लगाया गया है इसके और शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी 1500 साल से तो ये चीज़ नहीं हो सकती गया। मैंने ना अभी एक चीज़ देखी, आप मेरे इस वीडियो में भी देख सकते हो, पीछे के साइड पर जो सबसे ऊपर एक कॉर्नर पे ना आप देख सकते हो वो शाइनिंग कर रहा है, सिल्वर कलर का या शायद ब्राउन कलर का ऊपर दिख जाएगा आपको ये। मतलब अभी के टाइम पे तो अगर मैं देखूँ तो अभी तो था नहीं है, कुछ साल पहले ही लगाया गया है, और कई सारी इसमें चेंजेस वगैरह भी हो रही है ऑलमोस्ट अभी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको भाई इन्होंने भी मना कर दिया कि अरे नर्वस हो जाएंगे, क्या चल रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब लड़कियाँ यार इतनी शाये हो जा रही है यार, हद होती है यार, मतलब या तो मैं कन्वेंस नहीं कर पा रहा हूँ या शायद ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे साथ, क्या होगा भगवान। तो सामने ना तीन लड़कियाँ खड़ी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आप को कैसा लगा यहाँ के, और मैं देखता हूँ ये चौथे मतलब जो लोग हैं जिनसे मैं पूछने वाला हूँ आज की लोकेशन के बारे में, देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि बाकी तीनों ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इनका देखते ओपिनियन क्या है इसके बारे में। तो आज का दिन बहुत बेकार है, मैंने तीन लोगों से पूछा जिसमें ऑलमोस्ट 6 लोग थे, मतलब कि जब मैंने एंट्री करी तब मैंने 2 लड़कियों से पूछा कि मैं अपने ब्लॉग में आपको लेना चाहता हूँ, शी सेड नो। सेकेंड मैंने एंट्री करी हिमायूं के तोम में, मैंने 2 लड़कियों से पूछा कि मैं इंट्रोडक्शन ले सकता हूँ आपका इस लोकेशन के बारे में, कि कैसा आपको अच्छा लगा यहाँ के,
शी सेड नो, उसने मना कर दिया। तीसरी दो लड़की फोटो क्लिक कराती, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ब्लॉग में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो जगह आपको कैसी लगी है। शी सेड हमें तो बोलना ही नहीं आता। मैंने कहा वाह, ये अच्छा जवाब था। तो बहुत चूतिया काटा आज मेरा यार। मैंने जिससे भी पूछा है कि आप मेरी वीडियो में आना चाहते हो, सब ने मना कर दिया यार। सो सैड। अभी ना मैंने इनसे पूछा, जो गार्ड वाले भैया बैठे थे, इससे मैंने पूछा कि यार कि मैं 2-3 साल पहले यहाँ पे आया था, जहाँ मैं सेकंड फ्लोर पे भी इस पर गया था जो ये बना हुआ है इसके ऊपर, मतलब विजिट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उस टाइम काफ़ी रश था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको ना बंद कर दिया है कुछ रीजंस की वगैरह से, कि कई लोग ऊपर जाते थे, हाई होल्ला करते थे, तो सेफ्टी के पर्पज़ से लोगों की इसको ऊपर से ना क्लोज़ करा गया है। तो डिस्कस भी कर रहे हैं कि कुआ है, पैसे डाल दो, नहीं सारी चीज़ें ना, तो वो रहता है लोगों का अपना एज ह्यूमन नेचर इस तरह का ना, रास्ता को लेकर। बट अमेजिंग है, अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर का रास्ता देख रहा हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे जाने चाहिए अंदर ये कवर वगैरह के अंदर ना, बट दिखा देते हैं एक बार। सॉरी माफ करना, बट शूट कर। ये देखो लोग अभी भी कुआ समझ के इसमें पैसे डाल रहे हैं और अपने रास्ता के तौर पर। और सबसे बेस्ट पॉइंट इस चीज़ का कि जितने भी लोग कहते हैं ना कि हेट करते हैं मुस्लिम वगैरह से, ठीक है, सबसे ज़्यादा अदर जो कम्युनिटी है वो लोग यहाँ आ रखे हैं रदर देन मुस्लिम। सो ऐसा नहीं कि किसी के भी कहने पे आप सारी चीज़ें बिलीव करो, और बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, अगर आप देखते हो तभी आपको एहसास होता है। और ये चीज़ मैंने नोट करी है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स आए हैं, यहाँ सारी हिंदूज वगैरह भी है, पंजाबी वगैरह भी है, सिख वगैरह भी है, क्रिश्चियंस वगैरह भी है, हर कौम के हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। तो बस ये लोगों के अंदर भेदभाव जो डाला गया है, ये सारी चीज़ें डाली गई है इनके हिसाब से, जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना उनके हिसाब से। और ये माशाल्लाह इतना ब्यूटीफुल बना रखा है, जब आप ये मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के साइड ना, ठीक है, तो ये जो रो है ना एंट्रेंस करने का, इसमें ना आप देखोगे ऊपर के साइड में दो वो बना रखे हैं स्टार टाइप के, तो इसका भी एक टाइम पर मीनिंगफुल मतलब मीनिंग थी कि किस चीज़ से बनाया गया। और अभी भी ये देखो है, और ये मोस्टली मैंने ये चीज़ नोट करी है कि जो भी हमारी तुम की ऐसी जगह वगैरह ना, वहाँ पे लोगों ने पैसे वगैरह डाले हुए हैं। अब वो पैसे क्यों डाले हैं तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, सबकी आस्था होती है। तो जब ये बन रहा था, बताते हैं कई लोग कि उस समय पर ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर कि अगर मैं बात करूँ कि लोगों को छुपने के लिए एक ऐसी जगह भी बनाई थी कि अगर कल को कुछ ऐसी स्थिति आती है इनके ऊपर तो लोग छुप वगैरह सके। और आप देख सकते हैं लोगों की जो आस्था है ना वो इस तरह की हो चुकी है कि कोई भी, जैसा आप देखते हैं कि जहाँ लोग जा खड़े होते हैं तो कुआं टाइप का। तो सामने तो मंडलियाँ बैठी हुई है, सारे चाय वगैरह पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने इस टाइम को, क्योंकि उनको पता है यार कि जो एक कॉलेज लाइफ होती है ना वो लाइफ दोबारा वापस नहीं आती, तो इस हिसाब से आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस हिसाब से ना अच्छा लग रहा है यहाँ के। मुझे भी काफ़ी वेरी गुड फील हो रहा है कि जिस हिसाब से बनाया वगैरह गया ना, पीसफुल जगह है। इतनी खतरनाक हवा चले ना, बड़ा मज़ा आ रहा है यार ब्लॉग शूट करते करते, जो मूड बन रहा है यहाँ पे इस हवा से, तो व्यू उतना भी आ रहा है पीछे का, मतलब सनलाइटिंग वगैरह के साथ में इतना पीसफुल, काफ़ी मज़ा सा आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फोटो वगैरह नहीं करूँ, क्लिक करवा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग ऊपर आए, इतनी ज़्यादा हवा चल रही, नीचे तक तो कोई ऐसी हवा नहीं आ रही थी, जैसे हम इसके ऊपर चढ़े हैं हमारे तो उनके मकबरे के ऊपर, साथ में इसकी जो जगह है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं, मतलब देख सकते हैं मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं। धूप चलेगी तो मैंने अपना गूगल्स उतार दिया, मैंने सोचा यार अनकंफर्टेबल हो रहा है और धूप भी नहीं है, तो फिर व्यू कितना तगड़ा आ रहा है यार, पीसफुल और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हवा चल रही है प्यारी प्यारी और आसपास लोग बैठे हैं सुंदर सुंदर, तो और मज़ा आ रहा है। मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ इसी पोज में ना।
ये बंदा जो खड़ा है ना, ये दोनों पैर चौड़े करके, ये जो उसके पीछे फाउंटेन है, उसके फाउंटेन से पानी आ रहा है और वो पानी पूरे इस रुमाई के दम में ना सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ से सीधे एक रो आ रही है पीछे, नाली टाइप की, मतलब जिसमें से पानी आ रहा है। अब ये आते 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 इस जगह आके रुक रहा है पानी, और इस जगह आके चारों ओर जा रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड, स्टेट छोड़ के बस राइट साइड लेफ्ट साइड जा रहा है। और इससे पूरे जो इस मॉन्यूमेंट के आसपास के घास वगैरह ना, वहाँ जाके ये पानी जाके ठहर रहा, जिससे कि हरियाली यहाँ पर बरकरार रहे। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अकेले ब्लॉग क्यों शूट करता हूँ, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है कि चार लोगों के साथ जाने से अच्छा आप अकेले ही कोई भी ऐसा वीडियो वगैरह शूट कर सकते कंफर्टेबली, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और काफ़ी अच्छा, ये फाउंटेन तो अब काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब मैं आया था 2019 में तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये पानी वगैरह निकाल रहा था अपने उससे ना, अब तो काफ़ी कम इसमें से आ रहा है इसमें से पानी वगैरह। सो फाइनली हम लोग ने विज़िट कर लिया है हिमाचल के टोम में, जिसके नाम से फेमस है, और एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस हिसाब से ये मतलब क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलमोस्ट दिल्ली में जितने भी जो लोकेशन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है, लोग आते हैं यहाँ पर ना और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, घूमते फिरते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ फॉरनर भी काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं मेरे इस ब्लॉग में। ये पहले इस ज़माने के टाइम पे जो बनाए जाते थे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब चीज़ें बोर्ड्स वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है इनके बारे में, हिमायूं के मकबरे के बारे में ना, सारी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी रश हो रहा है, बट ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है किस हिसाब से इसका प्रयोग है वगैरह। बस छोटा सा ही है, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर जगह मतलब उनकी जो है ना, मतलब एक तरीके से छवि दिखाई जाती है। इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं वोट्स वगैरह लेने के ना। ये गेट है उसका, हिमायूं का टॉम का ना। ये सारी फोन मतलब जो घूमने फिरने आए ना। सो अभी ना जस्ट मैंने दो लोगों से पूछा, टू गर्ल्स थी जो फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रही थी, तो जस्ट कैजुअली मैंने उनसे पूछ लिया कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अबाउट दिस मॉन्यूमेंट, सो प्लीज़ एक्सप्लेन माय वीडियो, मतलब मेरे वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो आप अगर आप कंफर्टेबल हो। सो शी सेड कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम डायरेक्टली नो बोलने वाले हैं। मैंने दैट्स फाइन ओके, तो उन दोनों ने मतलब दिल तोड़ दिया और मना कर दिया। देखते हैं कोई दूसरा कोई जो बता सके इसके बारे में थोड़ा ना मेरी वीडियो में आके। जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था अभी ना, तो पीछे से दो लड़कियां जा रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी कि वेलकम टू द आवर ब्लॉग, इस तरीके से मतलब मुझे लेने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने इग्नोर करा कि ठीक है यार ब्लॉग शूट करना है, अब मैं क्या इस पर रिएक्ट करूँ ना। बट बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस पर, और काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हो रही है वीडियो वगैरह शूट करने में, क्योंकि काफ़ी आज संडे का टाइम है, काफ़ी रश वगैरह है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो भी है वो फॉरनर्स वगैरह आ रखे हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोग का मेरा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग मी।